दोस्तों, सोनाली फोगाट मामले का राज सुलझने की बजाय गहराता ही जा रहा है। साजिश के पीछे अब तक सोनाली का पीए सुधीर सांगवान ही बताया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सोनाली एक बहुत ही बड़ी हस्ती थी। उसने अपनी मेहनत के दम पर अपनी जिंदगी में खूब नाम और शोहरत कमाई थी। इसी नाम और शोहरत को हड़पने की लालच में शायद किसी ने उनकी जान ही ले ली। दरअसल दोस्तों, सोनाली फोगाट के परिवार वालों ने आशंका जताई है कि सोनाली की घटना उनकी संपत्ति हथियाने के लिए की गई है और फिर उसे एक नेचुरल घटना दिखाने की कोशिश की गई। परिवार का कहना है कि सोनाली अपनी हेल्थ और फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव थी। ऐसे में उन्हें दिल का दौरा पड़ना ये चीज हम नहीं मान सकते। इस मामले के पीछे किसी का घिनौना षड्यंत्र है। सोनाली के जेठ कुलदीप फोगाट ने सोनाली की संपत्तियों को लेकर भी अहम खुलासे किए थे। उनका कहना है कि कुल मिलाकर देखे तो सोनाली के पास 110 करोड़ की संपत्ति थी। उन्होंने यह भी बताया कि सुधीर सांगवान ने इन्हीं 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को हथियाने के लिए ही सोनाली फोगाट के साथ ये सब किया। इसी बीच अब सुधीर सांगवान की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसमें कि वो पुलिस वालों के साथ बातचीत करते दिख रहा है। इन तस्वीरों ने सुधीर सांगवान को लेकर कई बड़े खुलासे किए। आइए इस तस्वीर के बारे में बताते हैं आपको इस वीडियो में। दरअसल दोस्तों, सोनाली फोगाट मामले में सुधीर सांगवान के आरोपी साबित होने के बाद से ही उसके कई काले करतूत सामने आने शुरू हो गए थे। यहाँ तक कि उसने कई लोगों से पैसे भी ठगे थे। हाल ही में सोनाली के भाई ने खुलासा किया था कि गुरुग्राम स्थित फ्लैट की किश्त देने के लिए सुधीर सांगवान ने उनसे 1,45,000 रुपए मांगे थे। उस समय वो बाहर थे। उन्होंने कहा कि इतने पैसे मैं गूगल पे नहीं कर सकता। इसके बाद उसने एक व्यक्ति को उनके गाँव भेजा और उतने पैसे ले गया। उसके बाद ही उन्हें पता चला कि जिस फ्लैट की किश्त देने के लिए उसने पैसे मांगे थे, वह फ्लैट तो किराए पर लिया हुआ था। हाल ही में पुलिस ने सुधीर को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा था, जहां पुलिस ने अपना रौद्र रूप धारण करते हुए उसके साथ जमकर सख्ती बरती। इसी बीच सुधीर सांगवान की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। दरअसल दोस्तों, सुधीर की सामने आई इन तस्वीरों से यही पता चलता है कि इस मामले में पुलिस को अपनी तरफ से मनवाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है किसी तरह से इस मामले को रफा दफा कर सके और इस पूरे मामले से बच जाए। दोस्तों, हाल ही में खबरें कुछ ऐसी थी कि सुधीर सोनाली की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाना चाहता था और शायद यही वजह थी कि उसने सोनाली के साथ ये घिनौना खेल रचा और अब वो इस पूरे मामले से बचने की पूरी कोशिश में है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सुधीर सांगवान को सजा मिलेगी या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।